मम्मा को सिर्फ एक मसला है मम्मा माओ वाले मसले होते हैं ना मम्मा के तो मम्मा का ये है कि बस माँ को बोलो कि अपनी ना चीजें इतनी नहीं बताया करें नजर लगेगी बहुत तो है बट मैं यही कहूँगा कि फेस ज्यादा क्लोज मिलने से गैदरिंग करने से फिर वहाँ जो आई टू आई होता है ना उसके बाद होता है सारा सीन तो आई वॉन्ट टू नो जब आपने स्टार्ट किया होगा तब अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था, तो तो था लेकिन जब रियक्शन था शुरू में तो यही होता था मेरे जब ने जब कहा था जब मैं बात करता था ठीक अच्छा, है एक मतलब कराची में रहता हुआ बंदा बचपन से यही है और अचानक से उसने सोचा मैं सवाद में कुछ खोलू हाँ बंदा वालेकुम माज क्या हाल अले है थैंक तो यू uh, आज माज की तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है ऐसा लग रहा है मैं जब से सोच रही हूं कुछ ना कुछ तो नहीं डाउन नहीं, डाउन नहीं, इस टाइम आप नहीं उधर थोड़े काम थे अच्छा, हाँ। काम तो मैंने तो एक हफ्ते से पहले से बोला आज के दिन आज के दिन काफी काम थे सुबह हाँ। सुबह से बासिल की भी तबीयत खराब है अभी तो कल ही बताया था मुझे बाकी आपकी लाइफ कैसे चल रही है बाकी दिसंबर कैसा चल रहा है दिसंबर तो कब खत्म हो गया नहीं मतलब जनवरी दिसंबर आपका दिसंबर अभी गुजरा है ना जनवरी शुरू हुआ है अच्छा गुजरा है पैक्ड फुल और अभी दोस्तों की शादी भी आ रही है दोस्तों की शादी चल रही है दिसंबर और नवंबर और जनवरी फिर शादी आ गई मतलब ये इस बार जो है ना पूरा स... आधा साल शादियों में गुजरा है फ्रेंड्स की तभी आप सवाद से कब वापस आए मैं अभी क्योंकि सवाद तो आपका दूसरा घर रहा है <laughs> <laughs> यह सबको पता है <laughs> सवाद से थोड़ी दिनों पहले ही आया हूँ कब अभी दिसंबर में आए गए सात लोग गए थे न्यूयर को गए था अभी दस पंद्रह दिन होने वाले हैं अच्छा चले जी बस समध, हम लोग तो बस ये बात करेंगे अभी माज ने मुझे फ़ौरन से टोक दिया था कि आपका पेपर गया हाँ, मेरे <laughs> लिए टॉपिक्स निकाल के नहीं लाई तो माज को कौन नहीं जानता माशाल्लाह से एवरीबडी फॉलोर्स इन माई हाउस मेरी मम्मा ये पहले से बता चुकी मम्मा तो मेरी मम्मा तो बहुत बड़ी बड़ी फ़ैन है लिटरली और अभी भी उन्होंने मुझे पूछा कहाँ जा रही हूँ मैंने कहा मम्मा पॉडकास्ट पर जा रही हूँ आपके फेवरेट

क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं ठीक है वो इतने खूबसूरत खूबसूरत है इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं अगर उनको भी वीडियो से नज़र लग रही होती तो वो भी आज नहीं कर रहे होते सिंगिंग हाँ। एक्टिंग ये भी है सही हाँ। है तो शाहरुख खान भी मुस्लिम है सलमान हाँ। खान भी मुस्लिम है हाँ। तो वीडियो से नहीं लगती ज्यादा जो है न कलूज मिलने से और आई टू आई करने से फिर नज़र का इफेक्ट हो सकता है जैसे अचीवमेंट्स जो आप अपनी दिखाते हो या यार अचीवमेंट तो कितने बड़े बड़े एक्टर्स की हमारे सामने है सा के हमारे सामने है अचीवमेंट रोनाल्डो की हमारे सामने है, हमारे हाँ। सामने है। ये सलमान खान के हमारे सामने हाँ। मैं सारे बड़े स्टार्स की बात कर करूँ जो हमसे बहुत पहले से काम कर रहे हैं जो हमारे फादर जिन जिनको हीरो समझते हैं ठीक है हाँ, हाँ, अब हम उनको हीरो समझते हैं हाँ, हाँ। तो उनकी अचीवमेंट हमारे सामने तो है तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं जो उनसे भी चलते हैं कि यार अच्छा ये तो हमारे टाइम में स्टार था अभी तक स्टार है हाँ। अच्छा इसने हमारे साम, हमारे टाइम पे हिट दी थी अभी तक दे रहा है तो वो भी एक नजर ईवेल आई तो है तो है।, है बट मैं यही कहूंगा कि फेस ज्यादा क्लोज मिलने से गैदरिंग करने से फिर वहाँ जो आई टू आई होता है ना उसके बाद होता है सारा सीन बस ये पार्ट मैं मम्मा को दिखाना है क्यूँकी वो मुझे भी बहुत टोकती है और जो कि सही है उनकी नजरिए से ठीक है हाँ बस क्या कर सकते हैं मैं तो क्योंकि तो मैं तो उनसे इंस्पायर हूँ ना जो बड़े कर रहे हैं हाँ, ये तो है बात। बड़े भी भी इतने आगे आगे जा चुके हैं वो भी टीवी के थू, थू। वीडियो के थ्रू थ्रू वीडियो ही गए ना जो हाँ, जितने स्टार बने आज तो मैं जरा उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि यार हाँ हाँ सही बात है अच्छा वैसे एक मेरे भी एक जर्नी रही है मुझे पता है कि एक जर्नी में एक टाइम तो आपके पास आता है कि अब आपको लगता है कि आप बहुत एंशियस हो रहे हो यार अब शायद नजर लगना शुरू हो गई है अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा काम थोड़ा मैं खुद लेजी हो रहा हूँ मेरी इस चीज पे नजर लग रही है जिस तरह मैं दाद देती हूँ डेज ब्लॉगिंग करना इट वॉज एन अचीवमेंट टू फॉर मी तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है मैं किया महीने में एक दफा ब्लॉग बनाने वाली हूँ उसको भी टाइम पे एडिट नहीं करती हूँ लिटरली सबको ये मसला है मुझसे तो जब मैंने भी देखना शुरू किया था तो आई भी, भी तो आपको एक ताँग ताँग तो आया होगा हुँ. साल में अगर आपको पता मैंने बस रोज काम करना है और ये रोज जो काम है ये कहीं ना कहीं मेरा आ, लगेगा लाइक जो मैं अर्न करूंगा वो मेरा कहीं ना कहीं स्पेंड होगा ठीक है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है तो फिर आप जो ना रोज काम करते हो अब मैं आपको इधर की एग्जाम्पल लेता हूँ ये कैमरा मैन है ये इन्होंने हेडफोन लगाया है और वो कैमरा मैन है ठीक है हाँ। अब ये रोज आते होंगे हाँ, एक शूटिंग की होती होगी ठीक है एक छुट्टी क्या अगर आ जाओगे तो एक्स्ट्रा दे दोगे पैसे हाँ। अगर नहीं आओगे तो वो आपके अकाउंट नहीं है लेकिन है। अगर एक्स्ट्रा दे दोगे आ जाएंगे जिम्मेदारी होगी ना तो रोज काम करेंगे फिर आप इनसे पूछोगे थ्री सिक्स डेज काम किया ये बोलेंगे डेज काम किया तो वो एक जिम्मेदारी है माइंड सेट है आपका लेकिन एक बात है कि जितना मुझे व्लॉगिंग से एक्सपीरियंस मिला है मेरा गर्ल मेरा मूड बहुत खराब होता है ठीक है कभी घर में लड़ाई हो गई किसी का मूड खराब है सिंस योर फैमिली इज आपकी हर एक मेंबर फैमिली का इन्वॉल्व है आपकी बहनें आपके भाई अम्मी अबू सब तो कभी ऐसा होता होगा क्योंकि देसी हाउस होल्ड है यार लड़ाई होती है झगड़े होते हैं मूड खराब है किसी का तो उसको कैसे टेकल करता हूँ आ, वीडियोस में जो है ना मैं लड़ाई झगड़े बहुत कम दिखाता हूँ अगर फनी लड़ाई हो रही है तो दिखा देता हूँ बाकी लड़ाई झगड़े को लेते हो नहीं देखे इससे एक एडवांटेज भी है जो की पूरी फैमिली को ही है कि हमारी नाराजगी जो है ना वो ज्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि सबको व्लॉग्स मारना होते है और सब कॉम्प्रो कर लेते हैं कि यार क्या करेंगे लड़के अगर तो व्लॉगिंग नहीं होती तो शायद लंबी लड़ाई चलती है हमारी हाँ। बट व्लॉगिंग के थ्रू हमारी लड़ाइया बहुत कम होती है अच्छा वैसे ही कम होती है हम नहीं बनाते, से, बहुत कम बनाते। और जब तो बनता है तो फिर फिर वो पता लगता है के अंदर क्या बना हाँ। हाँ। तो बस वो भी एक दो दिन का होता है ज्यादा नहीं होता अच्छा किसी ने नोटिस एज कम्पेयर टू किया बहुत लोगों ने क्या आपके बहुत लोगों ने किया है बहुत लोगों ने किया एज कम्पेयर टू व्लॉगिंग से हटकर अगर बात करूं तो फिर लंबी लड़ाई होती है ये तो है लेकिन व्लॉगिंग में मेरे करियर में मेरी लड़ाइया कम होती हैं जस्ट व्लॉगिंग की वजह से तो हाँ, हाँ, तो तो रहते होंगे हाँ। मतलब तो हाँ। लेकिन अ, अगर बाहर आते हैं हाँ। मिली भी हूँ खुद से तो बहुत शाये है हाँ। मुझे जानना है क्यूँकी मेरे अम्म अब्बा भी बहुत शाये हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अब्बा बहुत अब्बा शाये नहीं बट लाइक मुझे मतलब

हाँ पहले लोगो को लगता था इससे पता नहीं हो क्या आ रहा है हाँ, कुछ उस अजूबा हो रहा है हम हाँ, लोग गाने भी लगा रहे हैं हाँ। डांस भी कर हाँ। हाँ। रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि यार ये वीडियो ही बन रही है भाई हाँ। अगर वो मोबाइल में देख रहा हैं तो वीडियो बना रहा है हाँ। किसी अगर मोबाइल यूँ किया है तो तो सामने की की फ्रंट वीडियो बना रहा लोगों को पता लग गया लोग यूज टू हो गए तो ना पब्लिक में मसला होता है ना अब घर में मसला होता है अच्छा आपकी स्टडीज वैसे मतलब क्या है स्टडीज मेरी तो सेकंड ईयर थी ठीक है उसके बाद फिर मैंने आईटी किया था और उसके बाद फिर मैंने टू डी किया था पापा के काम के सिलसिले में ना तो मैंने मैंने जल्दी जल्दी छोड़ दिया था था कि पापा के साथ मुझे हाँ। शौक बिजनेस बिजनेस का बिजन्स का इस पे तो भी मैंने फिर जल्दी से छोड़ा हाँ। पढ़ाई जल्दी से छोड़ के बिजनेस में लग गया और बिजनेस की फिर स्किल सीखी जो कि ऑटो के टू था वो मेरे काम आना था मेरे आई तो के पापा का ऑफिस था तो फिर मैं वहां गया बट फिर पापा ने पैसे कम दिए तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया अच्छा फिर ये बाय लक फिर ये ये वरना तो मेरा दूसरा कोई बिजनेस का इरादा था बट लक और चांस जो अल्लाह अच्छा अम्मी अम को समझाना तो पड़ता होगा ना यार आपको नहीं पता कि यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं इतने पैसे मिल रहे हैं मैं अगर लगा हुआ हूँ पूरा पूरा दिन अगर आपको लग... मैंने देखा व्लॉग्स में तुम्हारे तुम पूरे रात एडिट करके फिर सोते थे फिर अगले दिन उठते थे शुरू में तो यही होता था तो इस चीज को समझाना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैंने अपने अब्बा को देखा है कि मेरे भाई को कभी कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं रात में सो जाओ क्या कर रहे हो कितना फ़ोन यूज़ करोगे ये एक आया होगा राइट मेरे ने जब कहा था जब मैं बात करता था ठीक है किससे अपनी ही वाइफ से अच्छा 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 तो हाँ. जब कहा था कि भाई मोबाइल रख दो यार हाँ. जब मैं काम करता था जब नहीं कहता था काम के टाइम मेरे तो क्यूँकी पापा बिजनेस करते हैं ना तो पापा को इसका पता है कि यार दिन रात काम करेगा तो ही कुछ बनेगा दिन रात काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे और एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो सारी मेहनत है ना वो दिन रात काम की है ये, ये नहीं कि तो सिर्फ दिन की मेहनत आ... है रात हाँ। बन... बन हाँ। अभी भी अगर मैं सोता हूँ तो पाँच छह बजे सो रहा होता हूँ बारह एक बजे उठ जाता हूँ तो बस यही रूटीन चल रही है पिछले चार पाँच साल से तो अच्छा मुझे आपका उसके बाद कितने टाइम रिलेशनशिप रहा? Yeah, तो रहा था, था देन यू जो है ना वो रखना नहीं चाहिए हाँ, <laughs> क्योंकि अब हाँ। जब मैं शादी हो गई ना तो देखें मैं बताता हूँ आपको क्यों रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ पे यार अभी जब मैं मेच्योर हो दूसरा मेच्योर नहीं था ठीक है उस टाइम यही होता है कि यार बस कोई भी लड़की मिल जाए हाँ। लड़की बोलते कोई भी लड़का मिल जाए बस टाइम पास हो जाए हाँ। किसी तरीके से एक हाँ। तो क्योंकि सोसाइटी में जो चीज चल रही होती है ना हाँ। आप उसी को फॉलो कर रहे होते स्कूल में कॉलेज में ज्यादातर यही चल रहा होता है तो उसको फॉलो करते करते हमारा भी हो गया था हाँ। तो उसके बाद जब शादी वगैरह हो गई थोड़ा समय बड़ा हो गया लोगों में बैठा अच्छे लोगों में बैठा अच्छी गैदरिंग की तो फिर पता लगा कि यार हाँ लाइक मदर और फादर के जो वो होते हैं ना ओपिनियन के भाई ये मेरे ओपिनियन है इस लड़की के लिए और ये इसके लिए इसके लिए इसके लिए

तो फिर जब भी हमारे माँ बाप राइट होते थे उस टाइम पे अच्छा लड़की एक्सपीरियंस उनको ये था हम नहीं समझते उस बात को हाँ। फिर हमें अब समझ आती है शादी के बाद राइट ये चीजें होती है ट्वेंटी अच्छा वन 21. 21, yes. 21, तो अम्मा अब क्या बोल के मनाया था मैंने तो लड़के मनाया था मैंने तुम हाँ लड़ा था शादी कर दो यार <laughs> और अच्छा फैसला था वो तो अच्छा फैसला था हाँ। ना अच्छा फैसला था जब अच्छा क्या हाँ जब लड़का लड़की ऐसा करे ना तो शादी कर दो बस हाँ और, और वो सभा थी बीस साल की न, न, 19 नाइनटीन की दो न, साल छोटी है तो इक्कीस में वो मान गए थे फिर या एक साल थोड़ा लंबा चला वो है वो तो दो साल और लंबे करने को बोल हाँ। थे मतलब कि दो साल रुक जाओ सबर करने जाओ बट मैंने बोला कि यार नहीं यार अच्छी बात नहीं है मैं क्या लोगों को दिखा रहा हूँ इस तरह की मेडिटेशन में बार बार ये तो। बात तो सही तो मैंने कर दी फिर ये हुआ हाँ कर लेनी चाहिए शादी अगर आपको एक अच्छा लड़का मिल जाओ आपके अम्मा अब मान जाए उसकी तरफ से भी सब कुछ क्लियर होगा। हाँ कि है। जैसा लड़का मिल गया है, ठीक शादी तो थे, थे। लेकिन वो भी क्लेर हो गए अच्छा तो अच्छा मुझे क्योंकि देखो मेरी भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्ला, तो हमें भी थोड़े टिप्स दो जो लड़के लड़कियाँ देख रही हैं, उनको भी टिप्स दो कि शादी के बाद क्या होता है मतलब शादी के बाद कैसी है कंपैरिजन दिखाओ मैं शादी से पहले जो लाइफ है ना वो हाँ। बहुत मजे की लाइफ है हाँ। उसमें आपको लड़का भी अच्छा लग रहा है और लड़के को लड़की भी अच्छा लग रहा है ठीक है ये सबसे अच्छे हैं हाँ। दुनिया में अच्छा। फिर बाद में ये होता है कि वो जो आपका जो आपका पार्टनर होता है ना हाँ। फिर अच्छा चॉइस खत्म हो जाती है आपकी क्योंकि आपको एक पार्टनर मिल गया आपको अब आपकी चॉइस खत्म हो गई कि यार मुझे भी पसंद आ रहा है मुझे भी पसंद आ रहा है आपको सिर्फ उसी को पसंद करना है उसी को पसंद करना है उसके साथ चलना है ठीक है तो इसमें यह है कि फिर उसमें आपका बहुत ज्यादा चीजें पता लगती है आपको लड़की की आदत पता लगती हाँ। है लड़के की आदत पता लगती है तो फिर जो है ना वो वाला आपकी फीलिंग खत्म हो जाती है वो जो शादी से पहले होती है हाँ। ना अच्छा भाई, मिलने जाएंगे हो, बहुत हाँ। दूर दूर होते हो तो वो वो अट्रैक्शन दूसरी हाँ। होती है ये अट्रैक्शन दूसरी हाँ। है, तो, वो रह जा खत्म हो जाता है ये एरा दूसरा है और वो एरा दूसरा है मैं ये कहूंगा की ये बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल लेकिन फन है यह बिल्कुल है साथ रहते हैं मजा आता है बहुत लेकिन वो वाला नहीं वो 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 देखे वो मैं है, हाँ. नहीं मैं उसको कंबाइन नहीं कर रहा हूँ हाँ. इस तरह के नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा हाँ. नहीं है वो अपने जोन में है ये अपने जोन में हाँ, लेकिन सबसे हाँ. ज्यादा मजा इस वाले जोन में शादी अच्छा। वाले यस शादी इसमें कोई चॉइस नहीं होती कौन पसंद आ रहा है कौन पसंद नहीं आ रहा बस दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है और जो दोनों कहते हैं वही होता है कभी कभी होता भी है कि नहीं मेरे ही बात सुननी है और कोई कहता है नहीं मेरी ही सुननी है मजा आता है इसमें मजा आता है अच्छा उसमें बस सिर्फ जी यस yes, आपने कह दिया ओके okay. अच्छा हाँ, वो तो थोड़ा बनना पड़ता yes, है हाँ, यस वो फिर हाँ, करना पड़ता है हाँ, लड़की के साइड से लड़के हाँ, हाँ, के साइड हाँ, से क्योंकि दोनों जो है ना अपनी रियल साइड नहीं दिखाते हाँ, शादी से पहले तक बिल्कुल रियल साइड नहीं दिखती आपको. इतन, ना तो 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 है आपको लड़की के मैं वाकई सच बता रहा हूँ हाँ ये बात तो सच है मजे की लाइफ शादी वाली ही है हाँ। लेकिन जो एक रियल साइड है ना वो नहीं क्या लाइक लड़की कैसे रहती है लड़की, लड़का कैसे रहता है लड़का मुझसे बात किस तरह कर, करेगा शादी के बाद और कब तक किस तरह करेगा लड़ाई तो, हो गई तो किस तरह मनाएगा वो तो वो तो आपस में आप कंफ्यूजन हाँ। करके ठीक हाँ। कर लेते हो हाँ। लेकिन अलग होता है थोड़ा सा थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है लोगों को लगता है कि रिलेशन में जो एक्सपीरियंस है वही मिलेगा आपको नहीं अलग डिफरेंट ही होगा अच्छा

बिज़नेस से लेकर घर से लेकर हर जगह पर अगर आप चीजों को इग्नोर कर दोगे तो आप आगे चल जाओगे उसको लेके बैठ जाओगे तो नहीं चल पाओगे सही है ये ईगो कर लो या तो इग्नोर कर दो दो चीजें हैं बहुत बड़ी बात सिखा दी तुमने मुझे अभी <laughs> <laughs> अच्छा चलो अब, अब सभा की तो बात हो गई अब सबसे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये जब जब बासिल आया तो फिर क्या लाइफ चेंज हुई अभी तो दोस्त तुमने दो बता आता बासिल आया ना हाँ। तो फिर जो है ना रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ गई है हाँ। और बढ़ गई है मतलब चलो रिलेशन से पहले आप सिर्फ अपने फिर शादी हो जाती आप बीवी और अपना करते हो ठीक है देखो फैमिली का भी कर रहे हो तो आपका हिस्सा है जहाँ से आप निकल के रूर, बड़े होके शादी किया बिल्कुल ख्याल तो रखना पड़ता है तो फिर जब बेबी आ जाता है तो फिर उसका सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरे बाद इसको भी मिल जाए और मेरे बाद जो है ये भी सेटल हो जाए क्योंकि सही बात है। हर माँ बाप को ये फिक्र होती है कि मेरा बच्चा बड़े हुए क्या करेगा ठीक बात है और वो जब पैदा होता है ना जब से ही होती है ये तो है तो ये फीलिंग आ जाती है तो बस अभी से तो तो छोटा सा है आ जाती है ना तो अब अब देखो अब क्यों आ जाती है क्योंकि अब माशाल्लाह के हमारे माँ बाप है हाँ। अलहमदुल्ल तो उसी तरह बहुत जो होते ना लोग उनको पता नहीं होता चीज़ों का ठीक तो तो आप आप हाँ, तो है तो अच्छा भाई वो इतने साल का हो जाए तो फिर इतने साल का हो जाए तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है और वो तो जिम्मेदारी शुरू से शुरू हो जाती है अच्छा वैसे ही अभी आप कितने अब्बा बन गया मुझे मतलब? तो मज़ा आ रहा है जल्दी हाँ? मैं, मैं तो मुझे तो मज़ा आता है कि जल्दी बड़ों की लाइफ जीरो मैं हाँ? बड़ों वाली लाइफ है बस और वो जी रहा हूं, कम एज में तो उसमें तो मजा आता है लेकिन लेकिन नहीं।, नहीं है उसमें ये है कि माशा अल्हम्दुलिल्लाह के मैं जल्दी सीख गया हूँ क्योंकि तो hmm. आज के दौर में ना जल्दी सीखना ही बहुत बेस्ट है आप तीन साल के आप साल को देखोगे ना अब उसको मोबाइल चलाना आता है हमारे hmm, टाइम पे हमें बारह तेरह साल में चलाना आया फोन ही नहीं मिला रहा है बारह तेरह साल में तो आज के बच्चे को तीन चार साल में आ रहा है वो शॉर्ट्स लगा रहा है हाँ। वो टिकटॉक लगा रहा है हाँ। वो इंस्टाग्राम लगा रहा है हाँ। वो वीडियो देख रहा है वो वीडियो बना रहा है तो तोहार बहुत तेजी से आगे जा रहा है तो जितना जल्दी सीखोगे एडवांस है ना सब कुछ इसीलिए तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक फीलिंग आ रही हो यार मैं तो सिर्फ ट्वेंटी थ्री का हूँ अभी तो मेरी इतनी मैं सोचता ही मैं, मैं एज ही नहीं देखता अपनी अपने दोस्तों के साथ घूमू फिर नहीं।, नहीं मैं नहीं मैं मेरे दोस्त ही सारे बड़े हैं अच्छा दोस्त बड़े, बड़े। हाँ, मेरी टीम में जो काम करते हैं कोई फोर्टी हाँ। का है, लाएक, लाएक। वाले है नहीं, आ, उसके ये तो काम वाले दोस्त है हाँ। जो आपके कोलिग्स होते हैं ना आपके वो फ्रेंड्स नहीं होते हाँ। हैं कुलीग हैं आपके ठीक है वो आपसे कभी कभार मिलते हैं हफ्ते में एक बार मिले आपका फ्रेंड्स दूसरा ही होता है जो की और फ्रेंड बनाने भी उसी को चाहिए जो आपकी फील्ड से ना हो ट्रू ताकि कोई क्लैश ना हो ताकि ना, ना, ना हो यस, कभी कुछ भी ना, ना हो। तो मेरे फ्रेंड दूर ही हैं और वो भी मुझसे बड़े हैं एक दोस्त है मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं अभी तक चाहता हूँ मेरा आ, दोस्त जापान के अंदर है ठीक है तो वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है एक मेरा दोस्त है यही होता है मैं मैं पता है क्या मेरा फ्रेंड होता है नहीं पेशावर में है मैं आपको बताता हूँ तो वो भी मेरा बहुत सा दोस्त है बट मेरा मानना यही है कि दोस्त वही अच्छा है जो आपके कंपेटर ना हो बस वरना फिर आपसे आप उसको दोस्त से कंसिडर ना करो क्योंकि आपका कॉम्प्यूटर बन गया वो आपका कॉम्प्यूटर आपकी फील्ड हाँ। में आ गया अब फॉर एक्जाम्पल मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है ठीक है अब मैं लाइट का काम करता हूँ मेरे बराबर में उसने भी लाइट खोल दी ठीक हाँ। है वो कॉम्प्यूटर आ गया मेरे हाँ, बराबर में राइट दोस्तों वो मेरा है तो बुरा, क्या बुरा ये? भी नहीं लगेगा कॉम्पिटिशन आ जाएगा ना कॉम्पिटिशन आ गया कॉम्प्यूटर हो गया और दूसरा ये है की इंसान उसको भी ये सोच खाएगी और मुझे भी यही सोच खाएगी की यार ये अगर इसको कुछ हो गया हाँ। या ये आगे चले गया हाँ। या मैं आगे चले गया मेरे अंदर ऐसी चीज है नहीं लेकिन कॉम्प्यूटर हाँ। में होता यही है मतलब यही है नेचुरल है ना कॉम्पिटिशन का मतलब ही यही है तो जिसका मतलब ही यही है तो बंदा तो फिर बोलता है ना कि यार नहीं फ्रेंड जो हूँ वो अलग हूँ हाँ। फ्रेंड्स में भी ऐसी होना चाहिए और <coughs> पार्टनर्स में भी पार्टनर्स में मतलब। आप जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स को चूज कर रहे हो तो आपकी फील्ड का ना हो तो पार्टनर्स में भी कहा जाता है कि अगर आप मैं तो कहता हूँ नहीं मैं तो कहता हूँ नहीं, नहीं हाँ, पार्टनर नहीं होना चाहिए क्यूँकी आपको और ज्यादा एक तो फिर आप पूरे चौबीस घंटे साथ हो रहे हो रहे हो रहे हो यही जो कपल इन्फ्लुएंसर्स होते होंगे यार मास्क कैसे मतलब नहीं बड़ा मुश्किल मैनेज करते हैं लोग लोक बताते नहीं है वरना हाँ। मैनेज करना काफी मुश्किल है बहुत मुश्किल होता है मुश्किल, को मुश्किल है बहुत मुश्किल लाइफ है वो ईजी लगती है हाँ। बट आप...

अच्छा तुम्हारी फैमिली सब ने बिजनेस ही किया अब पापा बिजनेस करते हैं, मतलब करते हैं तो उनकी वजह से बिजनेस माइंड आया है उसकी वजह से बिजनेस खोलने का आइडिया है तो सबसे पहला बिजनेस बता दो पता तो सबको ही है के बारे में पहला बता दो फिर दूसरा फिर तीसरा भी बता दो माशा से यार फर्स्ट बिजनेस जो खोला था वो मैंने फ्रेडनेंस का ही खोला था बट वो मैं किसी के साथ पार्टनर पे गया था तो वो किया था मैंने फर्स्ट सेकेंड फिर मैंने आइसक्रीम पॉलर हाँ। के साथ काम किया था हाँ। उसमें मैंने पार्टनर पे किया था हाँ। फिर मैंने ये रेजॉर्ट रेस्टोरेंट पे किया है हाँ। और ये सारी बल्ली मैंने अपने सर पे ले ली थी ठीक इस वजह से काफी मुझे मसले आए हैं हाँ। वो फिर मैंने कभी के लिए सोचे कि बताऊंगा कभी <laughs> क्योंकि बताना जर्नी बताना जरूरी है लोगों को हाँ। लोगों को इंस्पायर करना जरूरी जैसे मैं बता रहा हूँ बिजनेस करना भी, भी काफी मुश्किल है हाँ, क्योंकि आपका ये जो है ना ये लोगों को सिर्फ मोबाइल लगता है बट इसके अंदर जो हमारे चीजें हैं वो हमारी एक बिग थिंग है ठीक है हमारे लिए वो बहुत बिग है और ब्रांड्स के लिए भी बहुत बिग है वरना ब्रांड अपने पेज पे ना कर ले सही वो बात क्यों हमें काम देता है सही बात कि उसको है। पता ही है कि इससे हमें बहुत फायदा होगा इसके पास ऑडियंस ऑडियंस होना बहुत मैटर करती है ठीक है अब जितनी भी बड़े बिजनेस हैं वो ऑडियंस पे ही डिपेंड करते हैं ठीक है ऑडियंस पे ऑडियंस मार्जिन होता है उनके पास कि अच्छा कौन सी ऑडियंस किस कैटेगरी की है और हाँ। किस तबके से ताल्लुक है हाँ, राइट सब देखते में क्लियर हाँ, बता रहा किस तबके से है और किधर रहती है हाँ, क्या वो अफोर्ड कर सकती है राइट क्या नहीं कर सकती सब ऑडियंस से शुरू होता है exactly. आपका प्रोडक्ट ये माइक निकला है ना हाँ, ये इंसानों से ही निकला अच्छा हाँ, इंसान यूज करेंगे तो निकला हाँ, है में नहीं निकल गया, ठीक है तो हर चीज ऑडियंस से शुरू हाँ होती, है। हम घड़ी पहन रहे हर चीज ऑडियंस से निकली है ऑडियंस फर्स्ट देन प्रोडक्ट फिर आप अच्छा ये वैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी है जितना मैंने सीखा है इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी फॉलोअर्स से फर्क पड़ता है लेकिन ये नहीं कि आपके पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बराबर में अगर 500 के वाली कोई लड़का है या लड़की है नहीं, उसको नहीं, भी वो ब्रांड मिल सकता है जो आपको नहीं मिलेगा नहीं ठीक है अब देखें आप जो 5 मिलियन वाली लड़की है फॉर एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल है ठीक है तो अब उसके पास जो ऑडियंस है और जो 5 लाख वाली के पास ऑडियंस है

ओ oh, yes. ये नहीं पता था मुझे नहीं नहीं नहीं। मुझे लगा आइसक्रीम का नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आइसक्रीम के अंदर नहीं थी वो क्या बात है रे मतलब शूट करके आ गई <laughs> पता ही नहीं अच्छा नहीं नहीं, नहीं। मुझे नहीं पता था खैर वो भी मैंने टेस्ट किया था माशाल्लाह से वो भी अच्छा है स्वाद स्वाद नहीं गई उसका एक्सपीरियंस आप ही बता सकते हैं कि उसका आईडिया किस तरह आया और

कर लेते हो ना कभी कभार नहीं बस शौक है तो मैं कर लू उसकी रिसर्च ना करो तो आप बढ़ जाते हो ठीक है तो ये था कि वो शौक के अंदर हमने इस चीज को ले लिया कि यार मुझे पहाड़ बहुत पसंद है क्योंकि हाँ। तो मैं आउट ऑफ कंट्री ज्यादा पहाड़ जाता हूँ अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ है बाहर के लिए भी मेरे को पहाड़ के लिए भी टिकट करानी होती है घर वालों के साथ ही दो तीन टिकट हाँ। वो दो ढाई हाँ। हाँ। लाख तो ऐसे ही उसके बाद फिर गाड़ी बुक करानी होती है आपने गाड़ियों में घूमना होता है होटलिंग वगैरह करानी होती है सवा में तो एक जगह मेरा है ना उसके नाम में घूमता फिरता हूँ तो उस पर भी काफी एक्सपेंस आता है तो तीन चार लाख पांच लाख मेरा लग जाता है वैसे भी तो इससे अच्छा मैं बाहर भी जा सकता हूँ तीन चार पांच लाख में सही है दो टिकट पकड़ने दुबई हाँ। एक हाँ। के दो लाख वो हाँ। भी यही पचास हजार की टिकट साठ हाँ। हजार की मिल जाती है आपको और बाकी वहाँ पर भी दोस्त घूम हाँ। फिर सकते हो लेकिन पहाड़ों पर जो था ना उनको प्यार था कि यार पहाड़ो पे क्योंकि पहाड़ों, अच्छा। पहाड़ों पर है पहाड़ों की लाइफ बहुत मजे की है ठीक है ग्रीनरी देखते हो रिवर देखते हो लोग देखते हो ठीक है एक सुकून सा मिलता है आपको रिलैक्स करते हो चिल करते हो तो शौक शौक में ना प्यार प्यार में पहाड़ों पर एक चीज मिल रही थी वो मैंने पकड़ ली है अब वो प्यार प्यार शौक ने तो पकड़ ली उस टाइम मैंने यही नहीं देखा कि यार मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं हाँ। असल में इस साल जिन जिन लोगों ने बिज़नेस किया ना सब गिरे हैं ठीक है क्योंकि ये साल बिज़नेस का था ही नहीं ये साल पैसा लगाने का था ही नहीं जो पिछला साल गया है दो हज़ार चौबीस नहीं दो हज़ार तेईस इसमें बिज़नेस करना ही नहीं था किसी ने भी और जिस टाइम हमने पकड़ा वहाँ पर सैलाब भी आ रहा है वहाँ पर बम धमाके भी हो रहे हैं वहाँ पर जो है फिर टूरिस्ट भी नहीं है ठीक है तो पूरा साल जो है ना वो चीज़ सर पे सवार की हुई है, है, तो तो है ना हाँ। <laughs> तो, शौक में लिया भी तो अच्छा जो सलाब आया था उधर तो आता है उधर ही आता है उधर से गुजरता है तो सामने तो रिवर है अच्छा, उधर से ही गुजरता है कुछ हुआ तो नहीं था अलग होता कुछ भी नहीं है वहाँ पर अभी भी सब मजे का है लेकिन ऑडियंस को मसला होता है ना फिर तो न्यूज हाँ। जो होती है ना वो आपको बहुत डराती है, हाँ, है मैं जा है। रहा हूँ वहां पर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं घूम रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए घूम रहा हूँ और भी वहाँ पर लोग आते हैं हाँ। करीब करीब के लेकिन जो ऑडियंस होती है ना जो देख के जाती है न्यूज हाँ। वगैरह अच्छा भाई बर्फ हो रही है तो जाएंगे हाँ। अच्छा भाई तो वहाँ पर अब सुकून है तो जाएंगे यानी सुकून हमेशा है वहाँ पर सही है मतलब... और छह महीने वहां ऑलरेडी बर्फ होती है ठीक है और ठंडक भी है लेकिन

आपने ईआरपी तो लगाया अगर आई टी वाला आपका थोड़ा सा खराब है तो वो चोरी कर सकता है ठीक देखिए देखिए उसको सारे गुण पता होंगे अंदर की तो चोरी हर चीज़ में है बस उसको आपने लाइन करना होता तो है उसको देखना होता है अब सेम थिंग अगर मैं ये कराची में खोल लेता ना तो आज फिर मैं बहुत कुछ कर लेता हाँ। तो सेम थिंग अगर मैं कराची में खोल लेता तो मेरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पैसे नहीं देती लेकिन आपको सिखा बहुत देती दी थी एग्जैक्टली तो सिखा बहुत दिया उस इतने बड़े प्रोजेक्ट ने मुझे मेच्योर बहुत कर दिया है बिजनेस रिलेटेड तो आप जब तक लॉस नहीं करते हो किसी भी चीज के अंदर तो आप सीखते नहीं हो सीखते नहीं। अगर लॉस नहीं करो ना अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पॉडकास्ट पॉडग्राफ्ट डायरेक्ट डायरेक्ट मिलियन व्यूज आने लग गए दो, दो लगे, आप सीख नहीं, नहीं। आपको लगेगा अरे मैं ऐसी बात करने मेरे मिलियन आ तो रहे हाँ, तो मैं क्यों इसमें थोड़ी सी वो चीज चेंजेस करूँगा नहीं करूंगी लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता कभी कम कभी ज्यादा कभी कम फिर आप इसमें एक्सपेरिमेंट करोगी तो वो जो आपकी लॉसेस होते हैं ना वो आपको बनाते हैं अच्छा वो आपको एक्सपीरियंस करके देते हैं तो बस एक्सपीरियंस हुआ है काफी मजा अच्छा, आ रहा है वैसे ऐसा लगता है मुझे कि अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं हुँ, अब एंड वो कमा रहे हैं माशाल्लाह से ब्रांड से कमा रहे हैं सबसे कमा रहे हैं तो सब अब इस रेस में लग गए हैं कि सबको कुछ ना कुछ खोलना है सबको बिजनेस में आना है सबकी हाँ। सबके साथ दुआ है देखे, होता ये है कि देखो सबको लेकिन करो अपनी हाँ। लेकिन देखो सबको और फिर, करो करो भी उनकी अपनी। तरह, हाँ। तो फिर जो अपना दिल कह रहा है हाँ। ये ना बस पैसों की दौड़ में मत भागो हाँ। पैसों की जोड़ भागो के असल में होता ये कुछ लोग जो है ना बर्दाश्त कर जाते कुछ लोग नहीं कर पाते बर्दाश्त ठीक है फिर वो डल हो जाते हैं अब अगर मुझे लॉसेस भी हो रहे हैं या मुझे कोई मसला भी हो रहा है लेकिन मेरे चीजें नहीं रुक रही है हाँ। मेरी चीजें चल रही है लेकिन जो नए, नए लोग है ना हैं अगर उनका थोड़ा सा भी हो गया ना वो बैठ जाते हैं सोचते हैं फिर उस पर वो कहानियां हाँ। करते हैं तो वो जो है ना वो और अफेक्ट करती है आपकी चीज सही बात है नहीं मैं बस ये पूछना चाहती अगर चलो अगर किसी को बिजनेस भी करना चाहे बिजनेस है करना है किसी को तो आपकी कोई एडवाइस है अगर सही है बिल्कुल अगर लीगल वे में करते हो आप हाँ हा ना लीगल वे में करते हो बहुत फजू है फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉटल आनी है वो दुबई से आ नहीं पा रही है नहीं आ पा रही है तो नहीं कर सकते यहाँ पर लोकल काम करो फिर फिर लोकल करोगे तो फिर लोग बोलेंगे हाँ मिले नहीं नहीं है। हाँ बेचे फिर पे क्या करें मशीन की वहां से मंगाओ तो आधा तीन तीन हज़ार तो टैक्स लगता है तीन हजार परसेंट तीन सौ परसेंट बहुत टैक्सीस है यार मतलब कुछ इंपोर्ट करवाना तो पे क्या करें अगर किसी को अपना वही लोकल लोकल झूठ बोल के बेचो और यही चल रहा है पाकिस्तान में आप जितनी भी मार्केटिंग देख रहे हो अभी झूठ बोल के बेचते सारे मार्केटिंग पर इतना पैसा लगाते हैं इतना पैसा लगाते हैं और जब आप प्रोडक्ट पकड़ोगे ना आप बोलोगे भाई ये क्या है अच्छा कभी ऐसा थो... हुआ है कि कोई प्रोडक्ट आया हो तुम्हें अच्छे पैसे दे भी रहे हो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो यार यार मैंने फिलहाल ऐसा नहीं किया हाँ। नहीं किया मैंने किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को बोल देते हो मुंह पे यार मैं नहीं कर सकता मुझे पता मुझे लग जाता है मुझे देख के पता लग जाता है ना हाँ। तो कि मैं तो इस चीज में गुजर रहा हूँ हाँ, हाँ। तो मुझे पता लग जाता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है इस हाँ। तो तो प्रोडक्ट में जान है नहीं है या सिर्फ ऐसे ही बेच रहे हैं अच्छा ओके बेचने का अगर उनकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी ना बहुत ज्यादा अच्छी जब ये आप देखते हो कि अपने पास से बताते हैं कि अच्छा भाई आप ये पानी पियोगे तो इस पानी में ये दला हुआ है वो दला हुआ है वो दला हुआ है वो सारी खूबी अगर सारी बता दी ना समझ फिर तो फारे है अच्छा क्योंकि तो वो हर चीज एक एक, एक चीज बता रहा है ताकि लोग जो है वो उसको ले खरीद ले, हाँ। वो बता रहा है लेकिन अगर अच्छा। उसमें हाँ वो इसलिए बता रहा है सारी चीजें और अगर इसमें पावर है या उसमें चीजें हैं तो वो इतनी चीजें नहीं बताएगा उसकी माने माने चीजें नहीं बताएगा तो यही तो आप बड़े बड़े आप मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं वो जस्ट अपने छोटे छोटे से नोट्स बताएंगे ठीक है जितने भी बड़े आज परफ्यूम्स के ब्रांड बने हुए हाँ। वो कमर्शियल देख लो कि छोटी छोटी चीजें नहीं होती है हमारे मजा अच्छा हमने इसमें और क्या डाला अच्छा हमने इसको और कैसे बनाया बस ये प्रोडक्ट है इसमें ये ये नोट्स है लेना है लो नहीं लेना नहीं लो कमर्शियल आ गया किसी भी बड़े एक्टर के साथ बिकेगा लेकिन जो छोटी छोटी चीजें बना के मार्केटिंग करके बेचे ना तो पहले ही समझ जाओगे यार ये तो

चलते फिरते मुझे तो चार साल हो गए यार और अभी भी मैं नहीं सीखी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं सीखी कुछ नहीं, चल जाता है तो चल जाता है लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं तो मुश्किल है बट इफ समी करना हो तो क्या हो गया? गया उनके लिए। बहुत अच्छी हाँ. यही मार्केटिंग वाली बट इसको चलाना होता है चल जाता है आप जो कपड़े अगर आप चार साल हो गए आपके ब्रांड को तो बहुत ईजी है इसके पांच हजार पीस बेच नजार पीस बेचना बहुत ईजी है क्योंकि एक चीज़ आपकी पुरानी हो गई है सही है एक तो लोग आप पे भरोसा करते हैं आपके एक्सपीरियंस को देख के ठीक है आपकी चीजों को देख के फॉर एग्जांपल हम अगर कोई ब्रांड ला रहे हैं या हम अगर कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हमें फील्ड के अंदर इतना टाइम हो गया है और जो हमें लोग देख रहे हैं उनको इतना टाइम हो गया हमें देखते हुए तो वो यही चाहेंगे कि यार अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो वो ऐसी चीज हो कि जो बहुत ऑथेंटिक हो ठीक है और उसमें दम हो और उनको ये पता होगा कि यार अच्छा हम इसको इतनी टाइम से देख रहे हैं तो चीज़ की ले लें तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा चीज जो है ना अच्छी ही ऑथेंटिक होनी चाहिए ऑथेंटिक होनी चाहिए और उसको ही प्रमोट करो अच्छी चीज को ना कि बुरी चीज को पैसा ज्यादा मिल जाए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक एक भी बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया एक भी बैटिंग ऐप को मैंने एक दफा किया था आ, लेकिन वो जब जब बिल्कुल नहीं नहीं इसमें देखो पता है अंदाजा नहीं नहीं आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा ठीक है होगा क्या जिसने पैसा डाल दिए ना तो क्या आपने नहीं डाले हाँ, ठीक है उस... मैंने एक बार एक उनको किया था जो आजकल कल फॉर्म वाले आ रहे हैं ना ये फॉर्म फिल कर दो ये कर, हाँ, दो, हाँ. कर दो, तो मैंने उसमें से एक को किया है जिसमें से मेरे भाभी ने पैसा लगाए थे हाँ. ठीक है तो उसमें से उनको कुछ मिला था रिटर्न, रिटर्न हाँ. तो मैंने उसको कर दिया था चलते पर, लेकिन वो मैंने भी तीन दिन में डिलीट कर दी थी मैंने बोला नहीं करना मुझे इसको भी वो Say. तो सेटिस्फाई हो गया था मैं हाँ। फिर मैंने कर दिया फिर मैंने लोगों का सुना कि यार अच्छा इसको कर रहा हूँ तो दूसरा वाला जो है फेक है तो कि इसमें ये है कि कुछ रियल है और कुछ फेक है अच्छा एक रियल होगा दस फेक है वो ही वाला ना जिस में पैसे लगाएं हाँ। और आपको इन पे, आपको प्रॉफिट हाँ, 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 मिलेगा तो ये सभी रियल लग रहे होंगे थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा बट मैं उसको भी नहीं किया उसके बाद से फिर और दूसरा बैटिंग बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा फायदा हो रहा हो तो फिर मैं दूसरे को बैटिंग और भी ये ट्रेडिंग तो दोनों, like, ट्रेडिंग भी है। आप नहीं कर रहे हो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने तो नहीं की हाँ। लेकिन आप प्रमोट कर रहे हो किसी हाँ। और के स्टेट दिखा रहे हो हाँ। मुझे फायदा हुआ है तो फिर जो है ना वो लॉस फिर वो आप जहां कर रहे हो यार नहीं करो ना किसी दूसरा लगा दे आपके दूसरे जाली स्टेट देख के फिर तो लॉस हो गया अब फिर ये हम पे आए और फिर ये आखिरत में भी पता लग जाएगा हम पे आई ना वो तो देखो यही बोलेगा ना कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है अब अच्छा इन्फ्लुएंसर की गलती नहीं है इसमें इन्फ्लुएंसर ने अगर किसी और के स्टेट दिखा दिए उसको प्रमोट कर दिया गलती नहीं है, गलती है लेकिन ना, आप गलत दिखा रहे ना हम तो हम तो अपने थोड़ी ना दिखा रहे सामने वाले को थोड़ी पता है देखो अब ये तो मुझे पता है कि वो किसी और के लेकिन सामने वाले सामने वाले रियल लग रहे हैं वो चीज तो इन्फ्लुएंसर उसकी जगह राइट है अच्छा इन्फ्लुएंसर शायद अपने दिखाए होंगे हमारे खुद ही डूब गए उसको पता भी लगेगा हमारे कैसे डूब गए <laughs> ये बात तो सही कही है तो so, ये तो देखना है ना अच्छा ये इतनी माशाल्लाह क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी जर्नी मतलब ऐसे जर्नी तो नहीं कहूंगी मतलब आप भी इन्फ्लुएंसर ही हो मैं भी इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह यू आर अ ब्लॉगर एज वेल एंड यू आर एंटरप्रेन्योर एज वेल सब कुछ हो बट एक जेलेसी आती है खानदान में कजन्स में हुँ, हुँ, फ्रेंड्स में कभी वो फेस किया खानदान में पता है क्या है एक तो जब आप कुछ बन जाओ या आप कुछ हो जाओ खानदान में उसी तरह रहो जैसे पहले रहते हो ठीक है जलिस तब आएगी तब आपके अंदर एटीट्यूड आएगा जब आप खानदान वालों को आंखें दिखाओगे ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगी यार वो बोलेंगे अभी इससे पहले देखा तो, तो ये ऐसा था अब देख रहे हो तो अब ऐसा हो गया तो फिर तो जलिस बनती है लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके साथ नहीं हुआ ना नहीं। आपने क्योंकि मैंने नहीं, नहीं, नहीं। किया होगा मैंने यू नहीं यही नहीं। तो बात है मैंने यूं नहीं। किया नहीं। तब भी मुंह बने तब भी बने हाँ। तो फिर उनके घर में कुछ आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे ठीके? जो कंपटीशन में होंगे। नहीं फिर। आपके कुछ दोस्तें ऐसी होंगी की वो आपकी एज की होंगी सही है आपकी तरह पहले रहती होंगी ठीक है मैं बता रहा हूँ की पीछे जल्दी से क्यूँ आई है

कुछ बोलने से कुछ ही नहीं होता हाँ। देखो पर अगर, कितना ही ट्राई कर ले अगर खानन वाले आपको कुछ बोलने से आ, आपका कुछ खाना रुक गया है पानी रुक गया है आपका घूमना पीना रुक गया है नहीं। कुछ भी रुका आपकी अम्मी भी बाहर जा रहे हैं घूम रहे हैं बच्चे खुश हैं, खत्म हो गई उसने कुछ बोल दिया चलो भाई ठीक है बोल बोलो दफा करो ये अच्छी अगर सिर्फ बोलने से अगर आपके हाथ कट जाए तो फिर समझ आ रहा है आपकी उंगली कट जाए आप गला कट जाए ये बात तो है नहीं होता अब ये बहुत बड़ी दुनिया हो चुकी है बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं बहुत चीजें आगे करने निकल गई दुनिया में बहुत आगे निकल गई हम हाँ। इसी मसलों से नहीं निकल रहे बाहर के इसने ये दियो, उसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया मैं तो सुनता ही नहीं हूं काम वाले जो भी बोल रहे हो कुछ भी कर रहे हो मैं बोलता हूँ अच्छा उन्होंने कुछ बोल दिया ना ठीक है भाई मैं दोबारा उससे मिल रहा हूँ हाँ, लडकों का वैसे सही है लड़के अपनी मां के, आ, मां को बोलती है, अच्छा लड़की जो इन्फ्लुएंसर है ना हाँ। उसको सेम लड़कों की तरह होना चाहिए क्यों क्योंकि वो अब आ गई मार्केट में जहाँ पर लड़के काम करते लड़की घर से बाहर निकल जाती है ना उसके पास इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए जिस तरह लड़के बढ़े अब वो लड़कों की फील्ड में आ गई क्योंकि बाहर निकले करना मर्द का ही हाँ, हाँ। तो तो वो वो लेकर ना हाँ। लेकर आए मर्दों मर्दो तो पता, पता है क्या? मेरे बहुत चीजें फेस, हाँ। तो फेस करनी है तो जब चीजें फेस करनी है तो फिर उसको दिल बढ़ाना चाहिए उसकी तुम्हारे कभी कोई स्कैम हुआ है जिंदगी में मेरे साथ बहुत हुआ है क्योंकि जब आप ग्रो रहे होते हो आपको कोई पागल बना देता है आपको बोलते हैं जैसे कोई

हाँ। अब मार्केट में इतने मैनेजर्स आ गए हैं, इतने मैनेजर्स आ गए इतनी टीम्स आ गई हैं कि एक से कट आपके पास कोई ब्रांड आता होगा ना वो तीन चार से कट कर आपके पास आता है मतलब हाँ, तीन ये चार ये तो हाँ। से होकर हो आता, 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 आता है हाँ। हाँ। पहले वन टू वन आता था हाँ। बस मैनेजर ब्रांड और आप बट अब तीन चार लोगों से बीच के फिर आप और फिर ब्रांड हो तो पांच छह लोग हो गए हैं तो अब ऐसे गुजरता है ब्रांड अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम जितना कोट कर रहे हो किसी को किसी ब्रांड को जितना कोट कर रहे हो और वो आगे से बोले हाँ ठीक है माज आपने जितना बोल दिया उतना मिलेगा आपको अब वो तुम्हें तो मिल रहा है अब तुम्हारी तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा कि भाई बीच वाले एजेंसी वाले कितने रखते हैं वो कितना मांगते हैं फॉर एग्जाम्पल तुमने पाँच लाख मांगे अगर ऐसा है कि अगर आपकी डिमांड ये है कि आप तीन चार लाख मांग रहे रो पांच लाख मांग रहे दस लाख मांग रहे रो ठीक है अगर आपको ब्रांड दे रहा है तो फिर आप यही कहते हो कि यार मैनेजर तुझे जितना रखना रख हाँ, फिर रखे आप हाँ, बट अगर मैनेजर खुद ला के दे रहा है आपको भाई इतने में आ रहे हैं ठीक है इतने में करना है तो फिर समझ जाओगे उसके पीछे कुछ है अच्छा इतने में ही करना है तो फिर इतने में ही जब करना है ना तो फिर इतने में ही उसका इतना है फिर उसको आपने ऊपर से और भी देना है तो ये सारी चीजें होती हैं तो और ये चीजें बहुत हो गई हैं अच्छा um, uh. बस अब कुछ रहा तो है नहीं वैसे बट आई आई जस्ट टॉक अबाउट द फैमिली क्योंकि आई रियली रियली अडो योर फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह बहन भाइयों की मोहब्बत इतनी अच्छी है मतलब और अभी रिसेंटली अ... नहीं रिसेंट तो नहीं है काफ़ी टाइम हो गया Uh, फरिया की आपकी जो एक uh, बॉन्ड है ना उसको देख के मुझे अपने भाई की बॉन्ड याद आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने भाई के साथ ऐसे ही हूँ मैं मेरा भाई सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटी हूँ तो जब भी मैं फरिया और तुम्हें देखती हूँ तो तुम लोगों का बॉन्ड मुझे याद आ जाता है तो जस्ट टॉक अबाउट कि भाई किस तरह देखें अभी भी इस जनरेशन में भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो जिनकी बहन भाइयों में इतनी बनती नहीं है सब अपना अपना अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं अम्मी अब नहीं बात कर रहे अभी मेरी अम्मा इतफाक से दो दिन पहले बोल रही है मुझे इतना बड़ा घर पसंद है मैंने कहा बड़े घर का मुझे पता है सबसे बड़ा फ्लॉ पता है ये क्या है पांच कमरे होंगे ना पाँच लो, लोग, लोग रहने वाले सब अलग 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 मैंने कहा अभी देखे छोटा सा घर आपको कितना साथ रखता है आपको अभी आप मेरे कमरे में बैठी है पप्पा अभी आके बैठ जाएंगे भाई अपने रूम से यही आ जाएगा कोई अपने अपने रूम्स में नहीं है नहीं। तो वो जस्ट टेल देम कि अभी क्योंकि अभी न्यू जनरेशन जो आ रही है उनका यही है कि अपने सब मोबाइल में लगे हुए हैं किसी की भाई से नहीं बनती किसी की बहन से नहीं बनती तो यू शुड टेल देम कि यार भाई आपके दोस्त लेकिन पहले मोबाइल जो था ना वो आया नहीं था ठीक है तो कुछ पर्चियों वाले गेम होते थे मूवी वाला ठीक है पत्थर फेंक के वो खेल लेते थे वो गेम्स होते थे वो रियल में खेल खेले लेकिन मोबाइल ने ऐसा काबू कर लिया हमारे ऊपर कि अब जो है ना सब मोबाइल में लगे होते हैं ठीक है फरिया भी है वो भी टैब में लगी हुई है हाँ। बट वो ब्लॉगिंग के लिए जो है है है। वो खास तौर मेरे मेरे पास आती है और मेरे साथ में जाती घूमती फिरती है वो मैं लोगों को बताता बार बार कि व्लॉग जो है वो तो दस पंद्रह मिनट का होता है ठीक है उससे आप उसकी पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते नहीं कर सकते पूरी लाइफ कभी जज नहीं कर सकते अब फरिया जो है वो मेरे साथ होती है खेलती है कूदती है बातचीत करती है हम फन करते हैं बट फिर उसके बाद वो टैब लेती है ये नहीं कि की खत्म हो गया तो मेरे साथ ही बैठी हाँ। और उसी तरह साथ है खत्म होने के बाद भी नहीं, अच्छा। है नहीं हाँ। बट क्या होता है मैं वो, वो करना चाह रहा हूं कि अल अलग अलग जो कमरों में हाँ। तो यार कुछ ऐसा मोबाइल में डाउनलोड करो जो आप सबको एक साथ कनेक्ट रखे क्योंकि अब मोबाइल आपका हिस्सा बन गया है पैदा होता है चार साल पांच साल बाद आपने उसको टैब दिलाना ही दिलाना है सही है ना ये हिस्सा हो गया जैसे कि आप लाइक घड़ी दिलाते हो कैब दिलाते हो सही है मास्क ले रहे हो उस तरह आपका टैब मोबाइल आपकी जिंदगी में हो गया है ठीक है उसके मुझे लगता बच्चे की जिंदगी नहीं, हाँ। नहीं। रही है की आदत है सबकी आदत है अच्छा मतलब की उस तरह आदत नहीं है हमारा मोबाइल उठा के खुद देखना शुरू कर दे या वही ना आ जाएगी तो जब हम शुरू से ये सारे काम कर रहे हैं और बच्चा इसी से खुश हो रहा है तो फिर जो है ना वो उसको दिलाना लाजमी होता है तो फिर ऐसी चीज करो जिससे आपको सबको टुगेदर रखे वो चीज तो अगर दूसरे दूसरे कमरे में भी हो तो मोबाइल में एक जगह हो ठीक है मोबाइल में कुछ ऐसे डाउनलोड करो गेम शेम हो या दूसरे ऐसी एक्टिविटी हो मोबाइल में पता है क्या होगा जैसे गेम में कोई आउट हो बता भागते अरे मेरे को हरा दिया ताली ये वो तो ये दोबारा से गेम कोई एक्टिविटी बन गई ना अब इसको आप कि हम इसको फेंको बच्चों से ये ले लो या छीन लो वो रोएगा वो और जिद्दी होगा तो अब इसको लेके चलना है हमने साथ मतलब लेकिन सबके साथ एटीट्यूड डिमांडर्स मांडस सा। सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है लोग रात को जो ना ओला पार्टी करते हैं ओले जो है ना ओले यार की स्टोरी पे मैंने देखा मैं जब से अपने अब्बा को बोल रही हूँ अब्बा ओले लिया है ओले और बनाता मैं हूँ घर में ये ओ, बनाना, बनाना नहीं भी नहीं। बता दो तो कैसे बनाते हो यही नमक और नमक ऑयल और नमक लेकिन उसकी क्वांटिटी होती है और उसमें फिर ये है की कितनी आशे बनाना है अच्छा कि वो सॉफ्ट से बने और नरम नरम से बने ये भी है कभी एक जाते हैं कच्चे भी रह जाते हैं फट जाते हैं तो वो है तो सब मुझे बोलते हैं मैं बनाऊं अच्छा। तो मैं बनाता हूँ उसको तब के ऊपर हाँ यार फिर सारे रात तो बड़ी तो खाते हैं यही है, सही याद दिलाया देख जाने बैठ के खा रहे होते हैं हाँ तो ये चीज़ ये bonding इसी से, से करनी खुद से करनी पड़ती हैं ये नहीं कि कोई बड़ा करेगा छोटा करेगा अब मैं बोलूं कि नहीं यार अगर बड़ा भाई बनाएगा ही तो मैं खाऊंगा अच्छा भाई पापा बोलेंगे बनाओ तो ही बनाऊंगा अब हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए छोटे वाले के अंदर कुछ होना चाहिए बड़े वाले खुद से सोचे जितने भी घर दे। वाले देख रहे हैं खुद से कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है सबको लाने के लिए और इसमें कोई ये नहीं है इसमें कोई चैलेंज नहीं लगा की यार नहीं मैं लेकर आया सबको साथ लोग अक्सर जताते हैं ना कुछ कर लेते तो यार ये मैंने किया है तो तुम्हें क्यों किया तो करी जताने के लिए जताने के लिए थोड़ी होता कुछ भी भाई तू तु, पैदा तुझे अल्लाह ने किया हाँ। तुमने सारी चीजें अपने अल्लाह तक को पेश कर दिया हाँ। आगे बाद में भी तुमने अल्लाह के सामने हाँ। पेश होना है तू जताना गलत है तो चीजों को बताना गलत है अच्छे करो अपने बहन भाइयों के लिए अम्मी के लिए बस सिर्फ समझो की मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ सब किसी को खुश भी रख रहा हूँ समझो मैंने अपने लिए खुश कर रहा ये तो बस ये सोच लो और ये चीजें प्रैक्टिस कर ले लोग तो ठीक हो जाएंगे और कुछ ही नहीं है

ये कोई गाली बक देगा पीछे से यार अभी फ़ैमिली के सामने नहीं लगाओ उसके सामने नहीं लगाओ मेरी खुद की भांझी बैठ के देख रही होती है उसको पता है माँ सफदर है उसका बेटा बासले उन लोग को इतनी आदत हो गई है क्योंकि हम लोग इजाज़त दे रहे हैं देखने की तो तुम्हारे खुद के व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं फैमिली व्लॉग्स हैं माशाल्लाह से तो इतने भी हैं तो इतने भी हैं कुछ अट्ठारह साल के भी और अंकल आंटी तो हैं ही हैं ही मेरी अम्मा अगर हो सकती हैं तो सभी होंगे ऑब्वियसली तो जो दे वांट टू यू नो दे दे फील लाइक हमें माँ जैसा बनना है हमें माँ जितना काम करना है हमें माँ जितना यू you नो know, मेहनत करनी है तो उनके लिए इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग हाँ यार मैं यही कहूँगा कि अपना जो माइंड सेट है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसको काम की तरफ लाना पड़ेगा उसको दोस्ती यारी से ख़त्म करना पड़ेगा उसको बाहर फजूल टाइम स्पेंड करने से खत्म करना पड़ेगा और उसको अपने शौक ख़त्म करने पड़ेंगे सारे ठीक है और दूसरा उसको घर में टाइम देना पड़ेगा घर में टाइम देना पड़ेगा अपने काम को टाइम देना पड़ेगा अपनी चीजों को टाइम देना पड़ेगा जिससे उसको फायदा हो कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको नुकसान हो और जिससे आपको एक टके का भी फायदा ना हो टका वही टका निकला वही से टका एक टके का भी फायदा ना हो तो वो काम करो ही ना जिससे आपको टके का भी फायदा ना हो वही काम करो जिससे आपको फायदा हो आपके घर वालों को फायदा हो आप आगे जाओ सही है अपने साथ साथ फैमिली वालों को आगे लेके जाओ और सबको खुश रखो और बाहर भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी का दिल ख़राब हो जिससे लोग तुमसे तंग आ जाए तुम्हें बस दुआएं दे हमेशा दुआएं लो लोगों से तो इन हो जाओगे कामयाब ऐसा जो न्यू कपल देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी शहीर और शहीफ़ा की भी शादी होने वाली है वैसे भी कोई न्यू कपल आने वाले उनके लिए इफ़ यू वांट टू से समथिंग क्योंकि बहुत अर्ली एज में शादी करना और हाँ। उसको संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है हाँ नहीं अर्ली एज में ये है कि आजकल बड़े मसले चल रहे हैं कि यार लोग शादी तो कर लेते हैं पर फिर वो डाइवोर्स पे आ जाते हैं ये एक बड़ा कल्चरल में हमारे आज चल, आजकल, आजकल, आजकल चल, चल रहा है भले उनका प्यार ही होता है वो भी डाइवोर्स हो जाता है वो हाँ, ही है आजकल ना तो ये है कि या तो शादी नहीं करो अगर ये सब करना है तो और या तो शादी से पहले ये सब देख लो इस चीज को समझ लो और उस बंदे को उस बंदी को अंडरस्टैंड कर लो सही तरीके से कि हाँ भाई अब हम शादी का टाइम आ गया है अब इस चीज़ को शादी के बाद हमने बहुत आगे लेके जाना है तो काइंडली ऐसा मत करो इससे जो है ना सब खराब हो रहा है माशरे में ये चीज़ें खराब हो गई कि यार कपल बन जाते हैं लोग तीन तीन चार चार रिलेशनशिप कर रहे हैं ठीक है तीन तीन चार चार गर्ल फ्रेंड है बॉय फ्रेंड है ये बहुत गलत है ये बहुत गलत है बस एक के साथ लॉयल रहो ठीक है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो और yes. अपनी बीवी को, को, को शादी करो फिर बीवी को खुश रखो लाइफ ठीक रहेगी और ये कर... ये लाइन बोलनी पड़ेगी तुम्हें सभा के लिए। <laughs> बस हाँ, मेरी के लिए लिए बस मेरी वाइफ यही है लेकिन <laughs> ये है कि बीवी को भी चाहिए अंडरस्टैंड करे ठीक है शोर को क्योंकि जो बीवियां बाहर काम नहीं करती ना तो उनको लगता है कि बाहर इजी है और जो लड़की बाहर निकलती है उसको पता लग जाता है कि कितनी मुश्किल आते तो नहीं पता लगता जो घर में बैठा है जो बाहर बैठा है उसको अंदाजा नहीं तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हर चीज को यार शोर को भी समझना जरूरी है और बेगम को भी समझना जरूरी है अगर सास समझ गए एक दूसरे को एक एक करके बात करो पहले आप कर लो फिर वो कर ले फिर आप कर लो फिर वो कर ले तो समझ आ जाएगा लेकिन यूं ही यू करोगे ना बात वन टू वन बात करते रहोगे वो बोलते हाँ। रहे मैं भी बोलते रहूँ कभी भी समझ, समझ नहीं आई बहुत लड़ाई होती है ऐसे तो तो बस यही बोलूंगा कि प्यार मोहब्बत से रहो प्यार ले लियाओं अपने अंदर प्यार ले आओ सब ठीक हो जाएगा नफरत लाओगे ना सब खराब होता है नफरत सब खराब हो जाता है बस ये अभी ये सब दिमाग में ले। मैं खास तौर पे पर मैंने बताया है कि मेरी शादी जब भी होगी इंशाल्लाह तो ये नसीहत लेके जाएंगे टाइम ही पता नहीं लगा क्या टाइम हो गया पूरा एक घंटा हो गया हमें पता नहीं लगा माशाल्लाह से सो थैंक यू फॉर कमिंग हेयर एंड आई होप आपको भी मज़ा आया हो यार बोल दो यार मजा आया कि नहीं आया मुझे मजा आया आपको सिखाया था ना मैंने के साथ यस मुझे रिज़ा जी के साथ मज़ा आया बहुत बोला से। <laughs> बहुत मज़ा आया और इनके साथ बहुत पुराना टाइम है जो कि मैंने इनको देखा है और इन्होंने काम किया है अपनी फील्ड में टिकटॉक में म्यूजिकली में बड़ा अच्छा नाम था बहुत बेस्ट नाम था बस कहीं भटक भटक गायब हो गई है वरना है वरना ये आज बहुत बड़ी स्टार होती लेकिन होती अभी भी है बट बहुत बड़ी वाली होती तो वो कुछ गलतियां कर गई हैं कभी शायद आपको बता दें आप कई से बता देंगे आपको तो मुझे <laughs> तो मजा आया तो जब भी मैं इधर हेरू तो कि मैं चीज़ को समझता हूँ <laughs> तो मज़ा आया बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू